इसका जवाब कांग्रेस को देने की जरूरत है। ये लोग जो विक्टिम कार्ड बात बात पर खेलते हैं कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को ऐसा, क्योंकि आपके यहाँ जब छापे पड़ते हैं तो ये उदाहरण के तौर पर ये चीज़ें सामने आती हैं। भाई वो अलमारियाँ जहाँ पे इतनी नकदी पड़ी है, कौन उसको झुटला सकता है? अभी तक उसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई। आखिरी जानकारी जो हमारे पास थी, 290 करोड़ तक तो गिने गए थे, उसके बाद अभी भी कई बैग्स बाकी थे। तो ये जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा कि इतना कैश, इतनी नकदी कहाँ से आती है कांग्रेस के नेताओं के पास, और उस पर जब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो ये विक्टिम कार्ड कहाँ तक जायज़ है भाई? जब आपके नेताओं के पास से अनअकाउंटेड इतना कैश बरामद होता है तो इसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है, और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड चलना कि भाई कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है, गलत है। ये कांग्रेस के भी नेता है वहाँ पर जयराम रमेश, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं और अपने आप अलग दिख रहे कांग्रेस पार्टी में से अलग दिख रहे। भाई ये पुरानी परंपरा रही है विपक्ष के नेताओं की कि पहले तो भ्रष्टाचार करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई पकड़ा गया तो उससे अपना पल्ला झाड़ने का काम करेंगे। बट बहरहाल लिंक है नहीं है, ये तमाम चीज़ें जाँच का विषय है और जाँच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई उस पर जरूर होनी चाहिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। अभी तक हमारी सूचना के अनुसार 400 से ज्यादा करोड़ रुपए कैश की गिनती सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों में हो चुकी है और ये आंकड़ा संभवतः 500 करोड़ कैश की ओर बढ़ रहा है। और आप सोचे सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, अभी तो उनके प्रॉपर्टीज के लॉकर्स खुलने बाकी हैं, प्रॉपर्टीज को खंगालना बाकी है। तो जो कांग्रेस जिस तरीके से करप्शन में डूबी रही है, देश को लूटा है, एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद इसलिए चुप है कि ये न सिर्फ एक सांसद थे बल्कि कांग्रेस के खजांची भी थे और कांग्रेस पार्टी की शायद फंडिंग भी होती थी। तो ये तो पैसा मुझे लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता था, तभी अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी जुबान नहीं खोली। बहरा हालांकि कांग्रेस ने धीरज साहू के पास जो पैसा बरामद हुआ उससे डिस्टेंस बना रखी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। धीरज साहू भी बेहतर बताएंगे कि कहां से आया है। देखिए जयराम रमेश कांग्रेस नहीं होते। कांग्रेस अगर जिस तरीके से वंशवाद पर चलती है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्यों अपना मुंह नहीं खोला? किसी दूसरे नेता को क्यों आगे कर रहे हैं? जाहिर है ये पैसा का शायद एक हिस्सा उन तक भी पहुंचता था। तो हमारा मानना है कि ये कांग्रेस का इलेक्शन फंड मैनेजमेंट का एक बहुत ही छोटा सा तिनका था। मुझे लगता है जो टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं ना, वो था। ये पूरी जब रिकवरी होगी, अल्टीमेट रिकवरी होगी, तो कई खरब में जाएगी और कांग्रेस एक्सपोज हो गई। 2024 में करप्शन कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है ये सबको पता है। और अब तो ये रिकवरी 400-500 करोड़, और उनके कंपनी का इन्होंने जो हलफनामा दिया था पिछले चुनाव में, उसमें इनके सारे कंपनीज का मिला के टर्नओवर वार्षिक 120 करोड़ था। तो उसमें अगर आप 10-20% प्रॉफिट भी जोड़ लें तो ये मुश्किल से 10-20 करोड़ के आसपास होता है, और वो भी कैश में रखने की लिमिटेशन है रिजर्व बैंक की। लेकिन इनके पास से तो 400 करोड़ कैश मिल चुका है और शायद ये 500 करोड़ की ओर जा रहा है। तो ये शायद जो नेशनल हेराल्ड में जादू राहुल गांधी करते थे और सोनिया गांधी करती थी कि बहुत कम अमाउंट में 5,000 करोड़ की कंपनी को खरीद लिया, धीरज साहू झारखंड में यही करते दिख रहे हैं। भाई अब कांग्रेस पार्टी के खजाने में नहीं रखा है। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उनको राज्यसभा में भेज, तो राज्यसभा में भेजा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उनके बारे में जग जाहिर था कि पुराने कारोबारी हैं, शराब के कारोबार में, बालू के कारोबार में। ये सब कारोबार ऐसे हैं जिसमें काफ़ी पैसा है, और पैसा है तो लोग टैक्स बचाते हैं, बिना टैक्स के जो है माल बेचते हैं, और धीरे धीरे वो जमा कहाँ करेंगे, धीरे धीरे जो है वो अपने यहाँ जमा रहता है, बढ़ता है। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी का पैसा है ये नहीं कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि धीरज साहू का पैसा है जो कांग्रेस में है। स्मृति ईरानी तो बोलती है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो करप्शन के लिए डेडिकेटेड है। देखिए अब करप्शन के बारे में तो बोलने के लिए सरकार में जो लोग हैं, सरकार के मुंह से बोली निकलती है वो थोड़ा ज़्यादा उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। लेकिन लोगों को याद नहीं है क्या कि क्या नाम है महाराष्ट्र में जो हमारे अजीत पवार हैं, अजीत पवार के बारे में क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, किसने 6,000 करोड़ रुपया लूटा है, मैंने इसको छोड़ूंगा नहीं, कहाँ गया मामला भाई? तो आप जो है भेदभाव की कार्रवाई करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि
मैंने बाकी पार्टियों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूध की धोई हुई है ऐसा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनका इतिहास जो है वो इस मामले में दागदार है, लेकिन वो उन्होंने अपना दाग छुड़ा लिया भारतीय जनता पार्टी में जा करके। इसलिए कहने के लिए है कि हाँ भाई दूसरे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम जो है साधु हैं, सब कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उससे कम नहीं है। बिहार में भी मान लीजिए कि NDA के गठबंधन की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उनके बारे में क्या चर्चा थी समाज में? उनके बारे में कहा जाता था कि दूध के धोए हुए लोग ईमानदार हैं, तरह तरह की चर्चा होती थी ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, फोन जाता था मंत्रियों के यहाँ से जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मौका आता था। तो ये सबके साथ है, जिस तरह का बनावा हुआ है हम लोगों के यहाँ अर्थव्यवस्था बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, भ्रष्टाचार के लिए वो भी प्रेरित करता है।